स्कूलों में मासूमों पर टीचरों का सितम। जी हां, सवालों के घेरे में है यूपी की शिक्षा व्यवस्था। चौथी की छात्र पर सजा पड़ी भारी, बैच लगाकर न जाने पर मिली कड़ी सजा, स्कूल ड्रेस ना पहनना पड़ा उसको भारी। दरअसल टीचर ने 11वीं के छात्र के बाल काट डाले, 200 रुपए का जुर्माना भी उस पर लगा दिया गया। घटना से क्षुब्ध छात्र ने खाना छोड़ दिया है। तो बस बैच लगाकर नहीं पहुंचा था छात्र, फिर क्या था, छात्र पर यह करना भारी पड़ गया, उसके बाल काट दिए टीचर ने। स्कूल ड्रेस नहीं पहन कर गया था, जिसके बाद उस पर यह सितम बरपा। सवालों के घेरे में है यूपी की शिक्षा व्यवस्था। चौथी के छात्र पर सजा भारी पड़ी, बैच लगाकर ना जाने पर उसे कड़ी सजा दी गई, स्कूल ड्रेस ना पहनना उस पर भारी पड़ा। टीचर ने 11वीं के छात्र के बाल काट डाले, 200 रुपए जुर्माना भी लगाया। घटना से क्षुब्ध छात्र ने खाना छोड़ दिया। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षकों का कहर बरपा। एक अलीगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक बच्चे के बाल काट डाले, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप बहराइच की देख रहे हैं जहां पर छात्र को दी घास काटने की सजा। तो शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है कि आखिर किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। एक चौथी के छात्र पर सजा भारी पड़ी, बैच लगाकर न जाने पर उसे कड़ी सजा दी गई, स्कूल ड्रेस ना पहनना एक छात्र को पड़ा भारी, जहां टीचर ने 11वीं के छात्र के बाल काट डाले। तो स्कूलों में मासूमों पर किस तरीके से टीचरों का सितम बरप रहा है, उसका ये उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ और बहराइच का। इन दोनों ही मामलों में छात्रों पर सजा भारी पड़ी उस वक्त जब टीचर शैतान बन गए। एक मामला चौथी क्लास के छात्र से जुड़ा है। ये छात्र बैच लगाकर नहीं गया था, उसके बाद उसे ये करना भारी पड़ गया और उसके बाल काट डाले गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप बहराइच की देख रहे हैं जहां एक 11वीं के छात्र को ड्रेस ना पहनने पर घास काटने की सजा दे डाली और उसके बाद इस छात्र ने खाना छोड़ दिया। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या ये तालिबानी स्कूल है जहां इस तरीके से बच्चों पर सितम ढाया जाता है, छात्रों पर सितम ढाते हैं स्कूल के टीचर। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर अलीगढ़ की है जहां पर एक बच्चे के बाल काट दिए, तो वहीं दूसरी तस्वीर बहराइच की आप देख रहे हैं जहां पर एक छात्र ने खाना छोड़ दिया, उसको घास काटने की सजा दी गई थी, स्कूल ड्रेस नहीं पहनकर पहुंचा था तो उसे ये सजा दी गई। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक चौथी कक्षा के छात्र के साथ ये व्यवहार किया गया, उसके बाल काट डाले गए। दोनों ही मामलों में जो छात्र हैं, आप सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी, उनका मानसिक स्तर इस वक्त क्या होगा जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया है अलीगढ़ और बहराइच का, जो सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है और किस तरीके से स्कूल अब तालिबानी व्यवहार पर उतर आए हैं, तालिबानी सजा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब दोनों ही मामले आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अच्छे संस्कार सिखाने का दावा करने वाले स्कूलों में जब टीचर बदसलूकी पर उतर आए तो बच्चों के भविष्य की चिंता होना लाजमी है। मामला अलीगढ़ का है जहां रामघाट रोड पर हेरिटेज स्कूल में एक छात्र को यूनिफॉर्म के मोजे पहनकर ना जाना भारी पड़ गया, छात्र को इसकी कीमत अपने सर के बाल कटवाकर चुकानी पड़ी। हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के 11वीं का छात्र सचिन ड्रेस के रंग के मोजे पहनकर नहीं गया, इसी बात पर स्कूल प्रबंधन ने उस पर 200 रुपए की पेनल्टी लगा दी, लेकिन छात्र जल्दबाजी में पैसा ले जाना भूल गया तो प्रॉक्टर ने उसे डांटा और फिर उसके सर के बाल काट डाले। मामले से परिजन भी आक्रोशित हैं। घटना से क्षुब्ध बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है। बुलाया दोबारा कि फाइन क्यों नहीं दे रहे, तो मैंने कही सर शौक से आ गया अब क्यों दूं मैं फाइन, तो बोलते देना पड़ेगा तुम्हें अब क्योंकि लग गया फाइन तुम पर। फिर क्या, फिर उनने वजह दी, उनको वजह पर कुछ थी नहीं तो उन्होंने बाल देख लिए, बाल काट दिए फिर मेरे। और कितने बच्चों के बाल काटे साथ में? 6 बच्चों के कम से कम बाल काटे। तो सुना आपने किस तरीके से व्यवहार किया गया बच्चे से। पहले तो पेनल्टी मांगी गई कि उसे 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जब बच्चे ने कहा कि उसने अब ड्रेस के साथ के मोजे पहने तो हैं, तो उसके बाद टीचर्स ने आओ देखा ना था बच्चों के बाल काट डाले। हमारे साथ हमारे संवाददाता
अनिल चौधरी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अब अनिल, सवाल ये खड़ा होता है, आखिर किस तरीके से बच्चों को तालिबानी सजा सुनाई जा रही है स्कूलों में, कहां जा रही है शिक्षा व्यवस्था? सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी संस्था चलाते हैं, संस्था में सबसे ज्यादा जो स्कूल है, हेरिटेज एक अलीगढ़ का माना हुआ स्कूल है जी, उसमें हाँ एक बच्चा अपने सॉक्स दो तरह के पहन गया गलती से जल्दबाजी में, उसी को लेकर टीचर ने उसे सजा है कि 200 रुपए का जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें दो तरह के ये जुर्रा पहन के आए हो और इसके लिए तुम्हें 200 रुपए। जब वो दूसरे दिन वहाँ पर स्कूल पहुंचा तो जल्दबाजी में 200 रुपए पेरेंट्स ने नहीं देते पर भूल गया घर पे, उसी को लेकर टीचरों ने वो सजा दी कि उसके बाल ही कटवा दिए और पूरा मुर्गा बनाकर उसने पूरी क्लास में घुमाया उसे और यातना दी। वो इसमें सदमे में चला गया कि उस दिन तो स्कूल से आ गया पर अभी तक वो घर से बाहर नहीं निकला, ना घर जा रहा और नहीं वो इधर उधर घूम रहा, बहुत सदमे में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो अगर अनुशासन का ख्याल था स्कूल को तो पेरेंट्स को बुलाया जा सकता था, उन्हें समझाया जा सकता था, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार कितना सही है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो यूपी की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। स्कूलों में बच्चों से जो बर्ताव मामूली बात पर किया जाता है, जो बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर पीछे कर रहे हैं, खबर अब बहराइच से है, जहां के कोतवाली देहात इलाके में सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 4th के एक छात्र आदित्य कुमार सिंह को स्कूल प्रबंधन के लोगों ने मामूली सी गलती के बदले ऐसी कड़ी सजा दी कि बच्चा अस्पताल पहुंच गया। बच्चा स्कूल का बैच लगाकर स्कूल नहीं गया था, फिर क्या था, स्कूल प्रबंधन ने छात्र से घास और झाड़ियों की सफाई करवाई, तभी एक जहरीले बिच्छू ने छात्र को काट लिया। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बर्ताव से परिजनों में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। तो अब ये मामला बहराइच का हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बच्चा बैच लगाकर नहीं गया था और उसको घास काटने की सजा दी गई। जब वो इस सजा को भुगत रहा था, घास काट रहा था, तब एक जहरीले बिच्छू ने उसको काट लिया और वो जा पहुंचा अस्पताल। मैं 4th के छात्र के साथ ये व्यवहार किया गया। पुलिस की अनदेखी के चलते मासूम बच्चे नशे के सौदागर बने हुए हैं। तस्वीरें रायबरेली जिले की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पड़ोसी जनपद उन्नाव की सरहद पर बसे गांव में कच्ची शराब का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। महिलाएं और मासूम बच्चे भी इस कारोबार में लगे हैं। बचरावा थाना क्षेत्र में स्थित भरेश्वर मंदिर के आसपास के गांव से नदी पार कर रहे बच्चों के हाथों में कच्ची शराब है और वो इसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। सामने रखा पुलिसकर्मी इस नजारे को देख रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिपाही का डंडा हिला तक नहीं। लोगों का कहना है कि कच्ची शराब से आए दिन लोगों की जाने जाती हैं, लेकिन फिर भी कारोबार बंद नहीं होता। इस क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से एक साथ 11 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सामने खड़ी पुलिस से भी नहीं डरते बच्चे, एक्शन तो दूर की बात है, डंडा भी नहीं हिलाते सिपाही। कच्ची शराब के कारोबार में बच्चे जुटे हुए हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं कच्ची शराब की थैलियां, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और पुलिस से भी नहीं डरते बच्चे, क्योंकि पुलिस है जो कार्रवाई नहीं करना चाहती। करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है कच्ची दारू की, जो कि वो झिल्ली और पोलोथीन में भर करके छोटे छोटे बच्चे, बहुएं, माताएं, उनके भाई बाप सारे, जो मतलब इतनी बड़ी मार्केट लगाते हैं जिससे आए दिन घटनाएं होती हैं। पास में सरेंदा है, बरेंदा है, यहाँ अक्सर जो है कच्ची दारू इतनी बनती है कि इतनी तो फैक्ट्रियों में नहीं बनती होगी। तो नशे के सौदागर बने हैं मासूम बच्चे, कच्ची शराब बेच रहे हैं, कच्ची शराब की थैलियां बेच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देश का भविष्य किस ओर जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और पुलिस है कि मूक दर्शक बनी रहती है, पुलिस का डंडा तक नहीं हिलता। तो नशे के सौदागर बने हैं मासूम, रायबरेली का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे कच्ची शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं, धड़ल्ले से ये बच्चे कच्ची शराब की थैलियां बेचते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कच्ची शराब की थैलियों को इन बच्चों के द्वारा बेचा जा रहा है। इस कारोबार में इन्वॉल्व है ये छोटे छोटे बच्चे। एक तरफ बाल श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश का भविष्य कच्ची शराब जैसे कारोबार की ओर कदम बढ़ा रहा है, देश के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है
प्रशासन का ये रवैया, क्योंकि पुलिस इस बारे में सब कुछ जानती है, बावजूद इसके पुलिस इस ओर कोई कदम नहीं उठाती। एक्शन तो दूर की बात है, पुलिस वाले अगर इनके सामने खड़े भी होते हैं तो उनका डंडा नहीं चलता। तो नशे के सौदागर बने हैं ये मासूम, सामने खड़ी रहती है पुलिस लेकिन बच्चे भी नहीं डरते और पुलिस भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। रायबरेली का ये मामला है जहां पर धड़ल्ले से ये कारोबार फलफूल रहा है और इस कारोबार में बच्चों को शामिल किया जाता है, बच्चे जुड़े हैं इस कारोबार में। ये देखिए पुलिस वाले यहां पर मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे कच्ची शराब की थैलियां बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश का भविष्य कहां जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, जो स्कूल जाने चाहिए, लेकिन इन बच्चों के हाथ में है कच्ची शराब की थैलियां जो ये लोगों को बेचा करते हैं। प्रशासन ही इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, बाल श्रम कानून का भी सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है, लेकिन नशे का ये कारोबार बच्चों के हाथों में है, इन बच्चों के जरिए इस कारोबार को चलाया जा रहा है। तो एक तरफ ना जाने कच्ची शराब पीने से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं इस कारोबार से जुड़े हैं मासूम बच्चे जिनका भविष्य गत में जाता हुआ नजर आ रहा है। रायबरेली का यह मामला है जहां पर धड़ल्ले से छोटे छोटे बच्चे कच्ची शराब की थैलियों को बेच रहे हैं, कच्ची शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। प्रशासन है जो इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता, पुलिस वाले यहां पर नजर आते हैं लेकिन मूक दर्शक बने रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। तो रायबरेली का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बच्चे कच्ची शराब में इन्वॉल्व हैं, कच्ची शराब के कारोबार में इन्वॉल्व हैं। तस्वीर रायबरेली जिले के आप देख रहे हैं, पड़ोसी जनपद उन्नाव की सरहद पर बसे जो गांव हैं वो इस कारोबार का ठिकाना बन गए हैं। धड़ल्ले से फल फूल रहा है ये कारोबार, महिलाएं और मासूम बच्चे भी इस कारोबार में लगे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमरेश कुमार की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेश, एक तो कच्ची शराब के चलते कितने लोग मौत के मुंह में से मार रहे हैं, तो वहीं जो देश का भविष्य है वो इस कारोबार से जुड़ा हुआ है, और हैरानी इस बात की है प्रशासन कुछ करने को तैयार नहीं। पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं लेकिन उनको भी इससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी मूक दर्शक बने देख रहे हैं। जी हम बता दें कि जिस तरह से तस्वीरें जो सामने आई हैं बहुत ही शर्मनाक है, और इसके पहले भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कई बार पुलिस से और हर अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, आबकारी से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है। जबकि ये बछरावा से लेकर के खीरों एक कस्बा पड़ता है, वहां तक जितना भी उन्नाव जिले का बॉर्डर पड़ता है, पूरे बॉर्डर में इसी तरह हर बाजारों में बाजारें लगती हैं और हर रोज सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह बच्चे, महिलाएं और सब ये सब बिक्री किया करते हैं कच्ची शराब की। इसके पहले भी कई लोगों की मौतें हो चुकी लेकिन तब भी उसके बाद भी गंभीर नहीं हुआ प्रशासन जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन आखिर खामोश क्यों है अमरेश? बाल श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ कच्ची शराब के चलते लोगों की जाने जा रही है, फिर आखिर क्यों प्रशासन खामोश है? जी देखा जाए जिस तरह से ये बॉर्डर का मामला है, कहीं कहीं सिपाही जो ये बता देते हैं कि बॉर्डर का मामला है, तो यही वजह है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा भी देते हैं, और बराबर इससे अगर पुलिस वहां मौजूद रहती है कुछ करती नहीं, तो इसका मतलब है कि पुलिस की साठगांठ जो स्थानीय पुलिस है उसकी साठगांठ से काम हो रहा है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आगरा की अगर बात की जाए तो वहां अपराधियों को शॉपिंग कराती है पुलिस। जी हाँ, पेशी पर आए कैदी को पुलिस ने शॉपिंग कराई, अपराधी मनोज को पुलिस ने शॉपिंग कराई। दिल्ली से आगरा पेशी पर लाया गया था उसे, कैमरे में कैद हुई है पुलिस की मेहमान नवाजी की तस्वीर, आप भी देखिए। एक कैदी को पेशी पर लाया गया था, आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक कैदी को जमकर शॉपिंग कराई। ये देखिए ये कैदी है जिसको पेशी पर लाया गया था, लेकिन किस तरीके से शॉपिंग मॉल में घूम रहा है कैदी। अपराधी मनोज को पुलिस ने शॉपिंग कराई, अब सवाल ये उठता है कि क्या कैदियों की मेहमान नवाजी करती है पुलिस? दिल्ली से आगरा उसको पेशी पर लाया गया था, अपराधियों को शॉपिंग कराती है ये पुलिस। अपराधी मनोज को पेशी पर लाया गया था, लेकिन उस दौरान ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जब एक शॉपिंग मॉल लेकर गई पुलिस कैदी को और जमकर कराई शॉपिंग। उधर झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के बमेर गांव में किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान का नाम जमुना प्रसाद था, उसका शव एक पेड़ से लटका मिला। मृतक किसान के परिजनों की माने तो किसान ने बैंक से करीब 50,000 रुपए और साहूकारों से करीब 1.5 लाख का कर्ज ले रखा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहता था। ओलावृष्टि की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी, किसान को अभी तक फसल का मुआवजा नहीं मिला था।
वहीं सीओ सदर का कहना है कि परिजनों ने इस मामले में अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं दी है। लोगों ने देखा तो उन्होंने खबर दी, तो यहाँ बस देखने आए हैं। मतलब जी देखा कि एक पेड़ पर मतलब फांसी लगा ली। कुछ नहीं जी, फसल मसल के चक्कर में और बस कर्ज मर्ज था 50-60 हज़ार, मतलब बैंक का है, ओवरसीन बैंक का है, और 1-1.5 लाख रुपए मतलब पैसा साहूकार का है। जमुना प्रसाद नाम के व्यक्ति ने सुसाइड कर ली है लगभग शाम को 3-4 बजे के आसपास, और बॉडी को पीएम के लिए हमने भिजवा दिया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई रेप और गैंगरेप की वारदातें, बदायूं एक बार फिर से इन वारदातों से दहल गया है। पहली घटना थाना मूसाझाट क्षेत्र का है, जहां श्वाच को गई किशोरी से एक दबंग युवक ने असले के बल पर दुष्कर्म किया, और दूसरी वारदात थाना फैजगंज वेहटा की है, जहां एक युवक ने अपने दो साथियों की मदद से किशोरी को उठाया और जंगल में ले जाकर तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी, जिसके बाद परिजन एसएसपी से मिले, तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी घटना में पीड़ित के भाइयों ने कोशकी यादव समेत दो अज्ञात युवकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िताओं को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा है, और आरोपियों की तलाश जुट गई है। तो रेप और गैंगरेप से दहला बदायूं, दो वारदातों से सनसनी फैल गई। दो अलग अलग थाना क्षेत्रों का ये मामला है, जहां पर थाना मूसाझाट क्षेत्र में किशोरी के साथ रेप किया गया, तो वहीं फैजगंज बेहटा में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अलीगंज बैठा और मूसाझाट में रेप की मामले दर्ज किए गए हैं, और दोनों में पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। बरेली के जिला महिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को शायद यहां मिली सुविधाएं रास नहीं आ रही, तभी तो महिलाएं भर्ती जरूर होती हैं, लेकिन प्रसव कराए बिना ही अस्पताल से चली जाती हैं, वो भी बिना किसी को बताए। एक साल में ऐसी 225 गर्भवती महिलाएं हैं जो गायब हुई हैं, जिनका भर्ती टाइम तो दर्ज है, लेकिन इनका प्रसव अस्पताल में हुआ ही नहीं है। बरेली के महिला अस्पताल का रिकॉर्ड भी मंडल के अन्य जिलों की अपेक्षा खराब पाया गया है। मुरादाबाद में रोहेलखंड क्षेत्र की हुई बैठक में मिशन निदेशक अमित घोष ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। बरसात के बाद या बरसात के मौसम में एक तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, ऊपर से ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, ये दोनों चीज़ें मिलके वायरस बैक्टीरिया फंगस इन सब की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी ये पैदा हो सकते हैं, खाने की चीज़ों में, पानी में, कहीं इकट्ठा कोई फल वल काट के रख दिया, उसमें ये सब बड़ी अच्छी मात्रा में ग्रो कर जाते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कोई नई बात नहीं। जौनपुर के जिला महिला अस्पताल में तो नवजात शिशुओं को भी बख्शा नहीं जा रहा। वार्ड के बगल में ही कूड़े का अंबार लगा दिया जाता है, और फिर बिना इन नन्ही जान की चिंता किए इसमें आग भी लगा दी जाती है। इससे निकलने वाली गैस इतनी हानिकारक है, और इसका कितना घातक असर होगा मरीजों पर ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तस्वीरें साफ बता रही है कि लंबे अरसे से यहां मरीजों की सेहत से किस तरीके से खिलवाड़ होता आ रहा है, और अस्पताल बीमारियों का गढ़ बन गया है। वहीं सबसे पहले तो सीएमएस साहिबा ने इनकार कर दिया, लेकिन कैमरा देख दलीलें देने लगी। हमारी जानकारी में कि उसको हमने गड्ढे में बंद करने को कहा है, और बाकी ट्रॉली से ठेकेदार उठवा के ले जाए। अभी आपको कचरा जल रहा है, धुआं उसी कमरे में जा रहा है। हाँ, तो उसको हम रुकवा देते हैं, अभी तुरंत उसको बंद करवा देते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो। कौन कर रहा है इसको जाके देखना पड़ेगा ना इसको। अभी जाएंगे, तुरंत जाएंगे, हमारी तो जानकारी में अभी नहीं था। हमारी जानकारी में ये है कि हमने उसे कहा हुआ है कि ट्रैक्टर से उठा के लेके जाना है और गहरा गड्ढा खोद देना है। चमोली के पपड़ियाना गांव के लोगों के सर पर मौत मंडरा रही है। ये गांव पिछले 5 साल से भूस्खलन की जद में है। ये 72 गांव सालों से विस्थापन की सूची में है, लेकिन 15 साल में भी विस्थापन की नीति नहीं बन पाई।
पिछले दिनों हुई बारिश से गांव के हालात और भी खराब हो गए। लोगों का कहना है कि गांव में चारों तरफ दरारें पड़ गई हैं, जिससे वो लोग दहशत में हैं। वहीं जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया और कहा कि ग्रामीणों की समस्या गंभीर है। प्रशासन अपनी तरफ से शासन को इस मामले में पत्र प्रेषित करेगा। नाला निर्माण के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। हमारा घर देखो, हमारे मकान टूट फूट हो गई, इतने बड़े नाला आ रहा है, रात को हम सो नहीं पा रहे। फिर रात को ऐसे है कि हम बहुत परेशानी है। गांव वालों ने भी पानी हमारा अंदर घुसा दिया, हम ऐसे है कि तिरपाल लगा कर हम अंदर रह रहा। नोएडा में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं। यहां ना तो आम आदमी सुरक्षित है और ना ही कानून के रक्षक। ताजा मामला सेक्टर 62 के सीडेक कंपनी के पास का है, जहां इंजीनियर से हो रही लूट का विरोध करने पर एक दरोगा को बदमाशों ने गोली मार दी। दरअसल कंपनी के पास लुटेरे एक इंजीनियर से लूटपाट कर रहे थे और इसी दौरान वहां से गुजर रहे एटीएस में तैनात दरोगा ने लुटेरों को देखकर इसका विरोध किया। दरोगा के विरोध करने पर लुटेरे वहां से भागने लगे, जिसके बाद बहादुर दरोगा ने लुटेरों का काफी दूर तक पीछा किया। इस दौरान लुटेरों ने दरोगा पर फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत यह रही कि गोली कार में जा लगी। ये मदद के लिए जैसे ही वहाँ पे एक गाड़ी के लिए हाथ दे रहा था, मेरे सामने से गाड़ी निकली, तो उन्होंने कैब थी शायद, उन्होंने नहीं रोका। मैंने जब उसको मदद के लिए रोका, जैसे इसको अपनी गाड़ी से उतर के तुरंत मैंने देखा तो ये भाग के आया। मैंने अपनी गाड़ी में बैठा था इसको, मैं वैगन आर कार से था। ये जैसे ही बैठा मैं इसको अपना लेके, बदमाश आगे आगे को मैं अपने उनका पीछा किया, तो सीडैक से लेके जेएसएस तक जब मैंने पीछा किया, मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। इस बीच उन्होंने 2-3 फायर किए और जब मेरी गाड़ी जेएसएस के पास आके खराब हो गई, जिन्होंने वहाँ पे पीछे जो बैठे हुए था दोनों ने हेलमेट लगा रखा था, तो उसने उतर के फायर किया जो मतलब गाड़ी में, मेरी गाड़ी में लगा। नोएडा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये आज उस वक्त देखने को मिला जब एटीएस में तैनात दरोगा के ऊपर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायर कर दिया। हम इस वक्त खड़े हैं उसी जगह पर जो सेक्टर 62 में स्थित है और यहाँ वो सीटेक कंपनी के सामने, जो ये सीटेक कंपनी है सेक्टर 62 में, इसी जगह पर जो कुछ बदमाश थे इससे कुछ दूरी पर ही एक व्यक्ति से लूट कर रहे थे। यहाँ से दरोगा थे मनीष चौहान, एटीएस में तैनात है नोएडा, वो गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि जिस तरह से युवक के ऊपर हमला किया जा रहा था, उससे लूट की जा रही थी, तो दरोगा ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए लोग जो बदमाश थे उनका उनसे मुकाबला किया और आखिरकार जो बदमाश थे वो बाइक से भागे, जिसके बाद पीछा करने से जो बदमाश थे उन्होंने अपने को घिरता देख जो मनीष चौहान थे उनके ऊपर फायर कर दिया। हालांकि गोली उनको नहीं लगी, लेकिन उनकी गाड़ी में गोली लगी है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो स्पॉट है, यही वो टायर के निशान है जो मनीष चौहान की गाड़ी के टायर थे और यहीं से वो गुजर रहे थे। उधर रक्षाबंधन को देखते हुए नकली मावा बनाने वालों का गिरोह सक्रिय हो गया है। खाद्य विभाग की टीम ने बस स्टेशन परिसर से 1.5 क्विंटल नकली मावा बरामद किया है। खाद्य विभाग के अधिकारी राजेश अग्रहे ने बताया कि मावा देवरिया रोडवेज परिसर में कानपुर की बस से लाया गया है। नकली मावे का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए जगह जगह नकली खाद्य पदार्थ को लेकर छापेमारी की जा रही है। शिक्षा विभाग शिक्षा का स्तर सुधारने के लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और ही है। शिक्षा विभाग की नाकामी को बताने का एक छोटा सा उदाहरण, नैनीताल जिले के लालकुआं विधानसभा का हिम्मतपुर चौमाल कन्या जूनियर हाई स्कूल ही काफी है। यहां कक्षा 9 में 4 छात्राएं और 10 में सिर्फ 5 छात्राएं हैं और वो भी अलग अलग वर्ग की। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा इन 9 बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 शिक्षक रखे गए हैं। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य कई बार उच्च अधिकारियों से पत्राचार करने की बात कर रही है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। दुर्दशा देखते हुए अपना निर्णय दिया है, इसीलिए वो इसी दृष्टि से था ताकि ऐसे इंस्टीट्यूशन की हालत सुधरे। और ये सही है कि हमारे प्राइमरी विद्यालय या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी हालत काफी खराब है और इस जजमेंट के द्वारा इसको सुधारने की चेतावनी राज्य सरकारों को दी गई है और इस जजमेंट के बाद हम लोग भी इसमें सावधान हो गए हैं।